दोस्तों, इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि लैपटॉप को चालू बंद कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, हम कई सारे जो लैपटॉप को परचेज करते, लैपटॉप को या समझो यूज़ करते, लेकिन उसको हमें जो ऑन करना है, ऑफ करना है, तो इस वीडियो में आपको सही तरीका कंप्लीट सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, हमारे पास जो विंडोज 7 का लैपटॉप है, तो लैपटॉप में कई सारे जो की है, यानी कि कई सारे जो बटन है, तो उसकी मदद से हमें लैपटॉप को ऑन करना है। तो लैपटॉप में यहाँ से जो पावर का बटन होता है, वही आपको प्रेस करना है लैपटॉप को चालू करने के लिए। तो यहाँ से मैं जो पावर का बटन को प्रेस करता हूँ, तो लैपटॉप में यहाँ से जो छोटा सा लाइट है, यहाँ से आपका ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे वेट करना है, जो भी आपका लैपटॉप है यहाँ से आपका ऑन हो जाएगा। और उसमें जो स्टार्टिंग विंडो है, यहाँ से हमारा लिखा आ जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो लैपटॉप है, यहाँ पे हमारा सही से ऑन हो चुका है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि सही से हमारा जो लैपटॉप है, यहाँ से हमने ऑन कर दिया है। तो आपको इसी तरह जो किसी भी लैपटॉप है, उसको ऑन करना चाहते हो, तो यहाँ से मेरे भाई आसान तरीके लैपटॉप को ऑन कर सकते हो। आपका लैपटॉप में पावर का बटन है, वही आपको प्रेस कर देना है, तो आपका जो लैपटॉप है, यहाँ से आपका ऑन हो जाएगा। लेकिन आपका जो लैपटॉप है, उसमें आपको कई सारे जो काम कर देते हैं, लेकिन आपको लैपटॉप को बंद करना है, पूरा शटडाउन करना है, तो कई सारे जो लोग हैं, यहाँ से गलती कर देते हैं। तो चलिए, ऐसे में सही तरीका आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए आपका लैपटॉप में कुछ भी काम नहीं है, लेकिन पूरा पूरा आपको बंद करना है, शटडाउन करना है। तो लैपटॉप में आपको यहाँ पे जो स्टार्ट बटन होता है, उसमें आपको क्लिक करना है, और क्लिक करके आपको यहाँ पे साइट में जो शटडाउन का ऑप्शन है, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो लैपटॉप है, पूरा बंद हो जाएगा, यानी कि शटडाउन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको इसी तरह जो स्टार्ट पे क्लिक करके शटडाउन पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो लैपटॉप है, यहाँ से आपका पूरा बंद हो जाएगा। लेकिन आपको कीबोर्ड से करना है, आपका जो लैपटॉप है, उसमें जो कीबोर्ड है, उसकी मदद से, शॉर्टकट की मदद से लैपटॉप को बंद करना है। तो यहाँ से आपको अल्टर के साथ F4 बटन को प्रेस करना है। तो चलिए, ऐसे में अल्टर बटन को प्रेस करके F4 बटन को प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ से एक जो शटडाउन का ऑप्शन दिखने को मिल जाएंगे, तो उसमें आपको ओके पे क्लिक करके जो लैपटॉप है, यहाँ से आपको बंद कर सकते हो। लेकिन कई सारे जो लोग हैं, लैपटॉप में पावर का बटन है, उसकी मदद से लैपटॉप को बंद करते हैं, लेकिन पावर का बटन है, उसकी मदद से लैपटॉप है आपका बंद नहीं होता है, उसको पूरा लॉक होता है। तो चले, उसका मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए मेरा लैपटॉप है, उसमें जो पावर का बटन है, उसको जो मैं प्रेस कर देता हूँ, तो हमारा जो लैपटॉप है, यहाँ से हमारा लॉक हो जाएगा। जो लैपटॉप है, अभी हमारा शटडाउन नहीं हुआ है, जो लैपटॉप है, अभी हमारा बंद नहीं हुआ है, ओनली फॉर हमारा लॉक हुआ है। तो चलो, मैं फिर से पावर का बटन को जैसे मैं प्रेस करता हूँ, तो लैपटॉप में एंटर बटन को प्रेस करता हूँ, तो हमारा जो लैपटॉप है, यहाँ से हमारा ऑन हो जाएगा। लेकिन आपको लैपटॉप को पूरा बंद करना है, तो जो भी मैंने स्टेप बताया है, आपको कीबोर्ड में अल्टर F4 बटन को प्रेस कर देना है, और प्रेस करके आपको यहाँ पे एंटर बटन को प्रेस करना है, यहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो लैपटॉप है, पूरा बंद हो जाएगा, यानी कि पूरा लैपटॉप है, यहाँ से आपका शटडाउन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे वेट करना है, और जो भी आपका लैपटॉप है, यहाँ से आपका शटडाउन हो जाएगा, थोड़ा टाइम पे लग जाता है। तो दोस्तों, आपको इसी तरह जो किसी भी लैपटॉप को यूज़ करते हैं, विंडोज 7 का, उसको कैसे चालू करना है, कैसे बंद करना है, कैसे ऑन ऑफ करना है, तो सही तरीका था, यहाँ से मैंने वीडियो में कंप्लीट सिखा दिया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करना। तो चलते नेक्स्ट वीडियो में।